This is Offspin. एक दिल है एक जा है, मूवी का नाम शायद पद्मावत। हाँ जी, हाँ जी, पद्मावत, पद्मावत। हाँ हाँ, वो राग यमन में है। और उस गाने के बारे में आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। हाँ जी। वो गाना एक्चुअली मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है शिवम पाठक, उन्होंने गाया। अरे वाह। और उनको इसके लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड। He sang it so beautifully. हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर मैं अपने श्रोताओं को दो लाइन सुना देता हूँ उस गाने का। एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। क्या बात, क्या बात। Offspin Media Friends presents The Ragas in Playlists, The Ragas in Playlists by Sandeep Banerjee. Hello everyone, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है Ragas in Playlists podcast में। हमने last episode में discuss किया था राग यमन के बारे में, कौन कौन से notes लगते हैं राग यमन में, कौन से थाट का है, क्या उसका important स्वर है, वगैरह वगैरह। और हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से गाने हैं जो राग यमन पर आधारित हैं। और याद है आपको लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि ऐसा एक नोट होता है जिसको लगाने से उसका अलग ही एक वेरिएशन बन जाता है, उस नोट को लगाने से राग यमन का कुछ अलग ही खूबसूरती निकल के आता है। कौन सा है वो नोट और क्या बन जाता है फिर उस राग का नाम, इन्हीं सब बातों पर आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे और सुनेंगे और भी कई गाने इस राग के ऊपर। पर शो शुरू करने से पहले और एक बार वेलकम कर लेते हैं हमारे म्यूजिक एक्सपर्ट, म्यूजिक गुरु मिस श्रावणी बहुगुणा जी को। हेलो श्रावणी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ संदीप जी। चलिए बढ़िया है। तो लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे राग यमन के बारे में और हमने काफ़ी सारे गाने भी डिस्कस किए थे और एंड में आपने एक बहुत खूबसूरत सी बंदिश हमें सुनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से अपना सफ़र। तो जिन श्रोताओं ने लास्ट का एपिसोड मिस कर दिया तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट एपिसोड सुन सकते हैं जहाँ पे हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था राग यमन के बारे में। सो बेसिकली राग यमन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नोट है, वो है तीव्रमा, और उसका जो चलन है वो नी से शुरू होता है। नी रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सो दीज आर दी नोट्स ऑफ राग यमन। अच्छा श्रावणी जी, लास्ट वीक मैं एक गजल सुन रहा था, बहुत ही फेमस गजल है, तो उसका जो स्वरों का प्रोग्रेशन था तो मुझे लगा कि वो राग यमन है। तो दो लाइन सुनाओ मैं आपको, आप बताएंगे कि वो राग यमन पर है या नहीं है। या बिल्कुल। आज जाने किज़द ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, बहुत खूब, बहुत ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने किज़द ना करो। क्या बात, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इसमें जिद ना करो, ये जो आपने जो जिद लगाया ये कौन सा मध्यम लगता है आपको? तीव्र मध्यम जिसकी हम अब तक चर्चा कर रहे थे, क्या ये वही है? एक बार देख लेते हैं। जिद ना मगरे निसा मा, ये शुद्ध मध्यम है। ये तो शुद्ध मध्यम लग रहा है। हाँ जी, ये जब यमन को गाते हुए जब हम शुद्ध मध्यम तीव्र मध्यम दोनों लगाते हैं तो यमन कल्याण कहलाता है ये राग। ओ हाँ, तो इसमें देखो जिद ना करो मगरे नीसा, हाय मर जाएंगे पामरे गगग। हाँ करेक्ट। तो बेसिकली राग यमन में या फिर कल्याण में तीव्र मा का यूज होता है और राग यमन कल्याण में दोनों मा यूज होते हैं, तीव्र मा और शुद्ध मा, राइट? एब्सोल्युटली। सो लिसनर्स, अब आपको पता चल ही गया होगा कि लास्ट वीक के पॉडकास्ट के एंड में जो मैं बता रहा था
कि ऐसा एक नोट है जिसको लगाने से राग यमन की एक अलग ही खूबसूरती निकल के आती है। वो नोट है शुद्ध माँ और राग का नाम बन जाता है यमन कल्याण। एक छोटा सा वेरिएशन है बट कितना खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मध्यम का प्रयोग कितना खूबसूरती से होता है। हाँ जी हाँ जी। तो श्रावणी जी, आप जरा इसका आरोह अवरोह और पकड़ थोड़ा गा के सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को। नी रे ग म ध नी सा नी ध प म ग रे म ग रे सा। पकड़ नी रे ग म ग रे म ग रे सा। ओके, तो और कोई गाने राग यमन कल्याण में? इस पे जो इतना फेमस भजन है, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। क्या बात है, ये इतना मधुर एक भजन है ना, सच में बहुत अच्छा लगा। तो इसमें कितना खूबसूरती से दोनों माँ को एकदम पास पास यूज किया गया है ना, मा मा पा मा मा रे ग रे सा। बिल्कुल बिल्कुल। एक गाना और है, मन रे तू काहे न धीर धरे। अरे रफी साहब का बहुत ही फेमस गाना है ये। हाँ जी हाँ जी। तो इसका ये जो पार्ट है, मोहन जाने, यहाँ पे शुद्ध मा यूज हो रहा है, रेगा पा मा मगरे जिनका मोह करे, और यहाँ तीव्र मा, माधनी सानी पागपा। वाह संदीप जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू श्रावणी जी, बट कितना खूबसूरती से दोनों माँ का यूज किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई गाना आपके ध्यान में आ रहा है अभी? फिर उसी में ही हम आगे कड़ी को बढ़ाते हैं, तो उसी में अभी ना जाओ छोड़ कर। क्या बात है। फिर जो एक गाना है यमन कल्याण पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर। वाओ, इतने हिट गाने, इतने फेमस गाने राग यमन कल्याण के ऊपर। हाँ संदीप जी, आपने वो गाना सुना है जो छाप तिलक सब चीनी रे? हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत फेमस गाना है। इतना खूबसूरत है, वो भी इसी राग पर आधारित है। अच्छा, क्या बात है। तो श्रावणी जी, इतना अच्छा गाना आपने याद दिलाया, प्लीज जरा दो लाइन हो जाए। प्लीज। हाँ जी हाँ जी, मैं सुनाती हूँ। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलई के, 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 छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलई के। वाओ, क्या गाया आपने श्रावणी जी, थैंक यू, बहुत मजा आया। और ये गाना सुना आपने संदीप जी, जो लता जी का गाया हुआ है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। वाह वाह, ये तो बहुत ही फेमस गाना है, बहुत प्यारा गाना है। तो ये गाना भी यमन कल्याण के ऊपर है क्या? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा श्रावणी जी, हम जितने भी गाने डिस्कस कर रहे हैं राग यमन और यमन कल्याण के ऊपर, वो मैक्सिमम पुराने गाने हैं।
लाइक 50s के हैं, 60s, 70s, मतलब रेट्रो एरा के बेसिकली. सो व्हाट अबाउट उसके बाद लाइक 90s, कुमार सानू एंड उदित नारायण, है ना, एंड उसके बाद आज के जमाने के लेटेस्ट गाने. आजकल के गाने तो ज्यादा आपको पता होगा संदीप जी. एक मुझे नए गाने में से याद आ रहा है, एक दिल है एक जहां है, मूवी का नाम शायद पद्मावत. हाँ जी, हाँ जी, पद्मावत, पद्मावत. हाँ हाँ, वो राग यमन में है. और उस गाने के बारे में आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं. हाँ जी. वो गाना एक्चुअली मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है शिवम पाठक, उन्होंने गाया. अरे वाह. और उनको इसके लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड. He sang it so beautifully. हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए फिर मैं अपने श्रोताओं को दो लाइन सुना देता हूँ उस गाने का. एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है. क्या बात, क्या बात. और इनफैक्ट मुझे और एक गाना याद आ रहा है, बाजीराव मस्तानी मूवी में आज इबादत, जावेद बशीर जी ने गाया है. हाँ जी, हाँ जी. आज इबादत रूबरू हो गई, ऐसा कुछ कॉम्पोजिशन है. अरे वाह, देखिए और दो गाने मिल गए जो इन्हीं रागों पर आधारित है और आजकल के नए गानों में से है. क्या बात. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. अगर हम 90s की बात करें संदीप जी, तो आपको कुमार शानू जी का वो वाला गाना याद है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं. हाँ, अच्छे से याद है, तो बहुत हिट गाना है. हाँ जी, ये भी राग यमन के ऊपर है. ये गाना भी उसी राग में है. अरे वाह. एक रिफ्यूजी का गाना है, आपने सुन, मेरे हम सफर. हाँ हाँ, सुना हुआ है. मेरे हम सफर मेरे पास आ, मेरे पास आ. बहुत ही बेहतरीन कॉम्पोजिशन है अनु मलिक जी का. बिल्कुल. इनफैक्ट आपको वो गाना याद है शंकर महादेवन जी का, ब्रेथलेस. अरे वो तो यमन में इतना बढ़िया मेलोडी, इतना बढ़िया है वो. जी जी, बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन था एंड शंकर महादेवन जी ने इतना अच्छा गाया था वो गाना. उस समय का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हिट था दैट टाइम ये सॉन्ग. ओके, सो नाउ द टाइम हैज कम जब मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि वो गाना कौन सा है जो मैंने फर्स्ट एपिसोड के शुरू में आप लोगों से डिस्कस किया था. याद है मैंने कहा था कि आज के डेट का एक बैंड है जिनका एक गाना है नया जो राग बेस्ड है. सो बैंड का नाम है ट्विन स्ट्रिंग्स और उन लोगों ने एक गाना बनाया जिसका नाम है दूरी. एंड दूरी इज अ सॉन्ग विच इज बेस्ड ऑन राग यमन. सो मैं दो लाइन आप लोगों को गा के सुनाता हूँ. आंखें मेरी मुझसे कहे, चेहरे से तुम्हारे हटकर कैसे रहेंगे, लफ्ज भी ये कहे, बिन तुमसे बातें किए कैसे रहेंगे. क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन है. हाँ जी, बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन है और मैं अपने लिसनर्स को कहूँगा कि प्लीज आप जाके इस गाने को सुनिए, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो जाते जाते श्रावणी जी, आप अगर हमारे लिसनर्स को राग यमन कल्याण के ऊपर एक बंदिश सुना दें प्लीज, तो बहुत अच्छा लगेगा. अवगुण ना कीजिए गुनी सना, अवगुण ना कीजिए गुनी सना, का जाने गुण की सार, ओ गुणी गुणी जाने गुण की सार, अवगुण ना कीजिए बड़ी बेर समझे नाही समझत, बड़ी बेर समझे नाही समझत, बार बेर
कबीर कह दीनी कौन कहत यह बार बार अवगुण ना कीजिए गुनी सना अवगुण ना कीजिए गुनी सना। वाह क्या बात है, क्या बात है श्रावण जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। सो लिसनर्स, कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट? सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने फेवरेट गाने सुनेंगे तो जरा ध्यान रखना कि वहाँ पे कहीं तीव्र म का प्रयोग तो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जब आप ये सब गाने सुनेंगे जो हमने आज पॉडकास्ट में डिस्कस किए, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये राग यमन से है या फिर ये राग यमन कल्याण से है। ओके तो श्रावणी जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, ऐसी एक नई सोच के लिए, और मुझको भी आपने ऐसे मौका दिया इसमें शामिल होने के लिए, कुछ अपनी बात कहने के लिए और कुछ समझने के लिए और सीखने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर दिस टाइप ऑफ एपिसोड्स अबाउट रागास, वेरी एक्साइटिंग, जो कि एक जन साधारण तक आसानी से पहुँच जाए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रावणी जी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट इन आवर कमिंग वीक्स विद द न्यू रागास एंड द न्यू सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच। यू आर लिसनिंग टू द रागास इन प्लेलिस्ट, एन ऑफस्पिन ओरिजिनल, कंसेप्चुअलाइज्ड, होस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय संदीप बनर्जी। This show is live and available on Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Saavn, Gaana, Wink, and every other place we thought hosted podcasts. Give the Offspin team a like, maybe a subscribe on their Instagram page, and be in touch. We love hearing from you. Keep listening to content from Offspin Media Friends, and keep glistening. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. Listeners are advised to use their discretion.